दिस इज कविता एंड यू आर वाचिंग और इस वीडियो में हम के बारे में पढ़ेंगे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सेरे एंड वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व्हाई सेरेमिक्स आर ब्रेटल एंड मेटल्स आर डक्टाइल। सो अगर आपने इसके पहले की सेरेमिक्स से रिलेटेड वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप मेक श्योर करिए कि आप पहले वो देख लें और फिर आप इसे देखें ताकि आपको ये रिलेटिबल लगे सबसे पहले हम ये देखते हैं वाई सेरेमिक्स आर ब्रिटिल एंड मेटल्स आर डक्टाइल बिकॉज सेरेमिक्स हैव इधर आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड्स सेरेमिक्स ब्रिटल इसलिए होते हैं क्योंकि सेरे सेरेमिक्स जो है इसके अंदर इधर आयनिक बॉन्ड या तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है जो भी सेरेमिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज होती है वो सारी प्रॉपर्टीज जो है दैट आर डिक्टेटेड बाय द टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट, द टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स एंड द वे आर पैक्ड टुगेदर। मोस्ट सेरेमिक्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स एंड दिस इज कॉल्ड अ कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल एलूमीनिया एल टू ओ थ्री इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ एल्यूमीनियम एटम्स And oxygen atoms and the atoms of ceramic materials are held together by a chemical bond. And the most common chemical bonds for ceramic materials are covalent and ionic. And for metals, the bond is metallic bond. The bonding of atoms together is much stronger in covalent and ionic bonding than in metallic bonding. So most of the most of the ceramics वो टू या टू से ज़्यादा एलिमेंट से बने होते हैं जिसे हम कंपाउंड कहते हैं जैसे कि एलोमिनिया एल टू ओ थ्री ये एक कंपाउंड है जो कि एलूमिनियम और एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है एंड जो एटम्स होती है सेरेमिक मटेरियल्स की वो केमिकल बॉन्ड से बनी होती हैं और जो मोस्ट कॉमनली यूज मोस्ट कॉमन केमिकल बॉन्ड्स है सेरेमिक्स के लिए वो इधर आयनिक बॉन्ड है या फिर कोवलेंट बॉन्ड है एंड मेटल्स के लिए मेटालिक बॉन्ड है एंड जो बॉन्डिंग होती है एटम्स की वो कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्डिंग में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है मेटालिक बॉन्डिंग से इसलिए जो सेरेमिक्स है वो ज़्यादा ब्रिटिल uh, होते हैं सेरेमिक्स फॉर्म देर बॉन्ड्स इन अ सिंगल डायरेक्शन दे फॉर्म बॉन्ड्स ओनली इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन सो so, सेरेमिक्स की जो बॉन्ड्स होती है वो एक सिंगल डायरेक्शन में फॉर्म होती है सिर्फ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में और कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स में एटम्स जो है वो बहुत स्ट्रांगली एंड क्लोजली पैक्ड होते हैं मेटालिक बॉन्ड्स से इसलिए मेटल्स जो है वो डक्टाइल है एंड सेरेमिक्स आर ब्रिटल आई होप आपको अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि सेरेमिक्स ब्रिटल क्यों है एंड मेटल्स डक्टाइल क्यों है अब एक और हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं Why ceramics have low coefficient of thermal expansion? जो सेरेमिक्स होती हैं इनकी थर्मल एक्सपेंशन को एफिशियंट लो क्यों होती है को एफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज लो इन सेरेमिक्स बिकॉज को एफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स Between the atoms, covalent materials have strong bonds between atoms, resulting in low coefficients of thermal expansion. Thermal expansion coefficient is inversely proportional to bond force. Ceramics have strong bonds and very strong interbonding forces, resulting in low thermal coefficient. जो thermal coefficient है directly proportional है bond force ke. बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है एटम्स के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्डिंग में या आयनिक बॉन्डिंग में बहुत ज़्यादा होती है जो बॉन्ड होती है कोवेलेंट बॉन्ड्स ये तो हमें पता ही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और इसी वजह से इनकी जो थर्मल एक्सपेंशन कोएफ़िशिएंट है कोएफ़िशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये बहुत ही ज़्यादा लो होती है क्योंकि इनकी जो बॉन्डिंग है बॉन्ड स्ट्रेंथ है बिटवीन द एटम्स ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड जो थर्मल एक्सपेंशन कोअफिशेंट है वो डायरेक्टली वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड फोर्स के दैट इज़ वाई सेरामिक्स हैव लो कोअफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन सो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सेराम्स अभी जैसा कि हमने देखा इनकी थर्मल कोअफिशेंट uh, जो है वो लो है सो so, इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है वो भी काफ़ी लो होती है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सेरमिक्स आर वेरी लो बिक दे डोंट हैव इनअ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू ब्रिंक इलेक्ट्रॉनिक थर्मल कंडक्टिविटी अब क्योंकि इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इनके बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं जिससे कि थर्मल कंडक्टिविटी हो सके इसलिए इनकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो काफ़ी लो रहती है हीट कंडक्शन इज़ कैरिड बाई फोनन कंडक्शन एंड द इंट्रैक्शन ऑफ लैटेस्ट वाइब्रेशन ऑल्सो मोस्ट सेरेमिक्स आर पोरस हीट ट्रांसवर्स एक्रॉस पोरस इज स्लो बिकॉज पोर्स कंटेन्स स्टिल एयर विच हैज एन एक्सट्रीमली लो थर्मल कंडक्टिविटी जो सेरेमिक्स होती है ये बहुत पोरस होती है पोरस मीन्स इनके अंदर स्पेस होती है जो कि लिक्विड गैस या एयर को स्लोली अपने अंदर से पास करने की फ्रीली अपने अंदर से पास करने की जगह देती है अलाउ करती है के okay. सो so, इसे पोरस कहते हैं और इस पोर्स में स्टिल एयर होती है और स्टिल एयर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो एक्सट्रीमली लो होती है इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी जो सेरामिक्स की होती है वो काफ़ी लो होती है क्योंकि इनकी पोर्स में स्टिल एयर होती है सो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए मैक्सिमम डेंसिटी होना ज़रूरी है जो कि सेरामिक मटेरियल्स में नहीं है दैट इज़ वाई थर्मल कंडक्टिविटी जो है सेरामिक्स की वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है एक तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है एंड ये पोरस होते हैं और इनकी जो ये पोरस होती हैं इसमें स्टिल एयर होती है एंड स्टिल एयर की जो हीट जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो काफ़ी लो होती है दैट इज़ वाई सेरामिक्स की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा लो रहती है सो आई होप कि अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इन वीडियो से हेल्प मिल सके एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिल जाएंगी